सर फिरे हैं थोड़े और दिमाग भी थोड़ा खराब रहता है, कि सर फिरे हैं थोड़े दिमाग भी थोड़ा खराब रहता है, कौन कितनी चालाकी कर रहा है सबका हिसाब रहता है। तेरा बाप आया। बेटा सुन, एटीट्यूड दिखाना बच्चों का काम है, हम लोगों को सीधा उनकी औकात दिखाते हैं। तेरा बाप आया। तुम जवाब बहुत टेढ़े देने लगे हो, मैं अगली बार तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, भौंकते तो तुम पहले से हो, जिस दिन मिलूंगा तुम्हें कुत्ता ही बना दूंगा। लोगों को जो भी सोचना है सोचने दो, हमें लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उसने कहा तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताऊं कोई जरूरी थोड़ी है, मैंने भी कहा चलो खत्म करते हैं ये रिश्ता, मेरी भी कोई मजबूरी थोड़ी है। कुछ लोग कहते हैं मैं घमंडी हूं, घमंड दिखाता हूं, आपसे समझने में थोड़ी गलती हुई है, मैं घमंड नहीं, सामने वाले को उसकी औकात दिखाता हूं। दूसरों को जलाना एक हुनर है जो मुझे बखूबी आता है, तुम जल रहे हो तो जल के राख हो जाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। जिंदगी में काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। कुछ कान के पीछे कुछ ज्यादा ही चीख रहे हैं, बाप से कैसे बात करते हैं बेटा सिखा दूंगा, और मुंह बहुत ज्यादा चल रहा है तुम्हारा, मैं सिर्फ दो शब्द कहूंगा और तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। कि अगर कोई पीठ के पीछे भौंके तुम्हारे तो पीछे से नहीं सामने से उसका मुंह तोड़ दो, और अगर शेर की तरह दहाड़ना है तो बेटा कुत्तों की तरह ना भौंकना छोड़ दो। हमसे मिलने आओ तो अपने कलेजे की आग को ठंडा करके आना, वरना हम तो 100 नंबर की गाड़ी में बैठ कर जाएंगे लेकिन तुम 108 में लेट कर जाओगे। तुम्हारे जैसे कुत्तों के लिए और 10 हाथों की जरूरत नहीं है मुझे, अकेला तुम्हें और तुम्हारे घमंड को जड़ से उखाड़ दूंगा, सोचने समझने में वक्त बर्बाद नहीं करता मैं, पकड़ूंगा और तुम्हें कागज की तरह फाड़ दूंगा। मेरी पीठ के पीछे जितना मुंह चलाते हो उतना अगर दिमाग चलाया होता तो आज मुझसे आगे होते। तुम तो शेर हो ना, तो सामने आकर दहाड़ा करो, तुम तो पीठ पीछे भौंकते हो। कि बड़े भ्रष्टाचारी है बेटा, पंगा ना लो नाक में दम कर देंगे। कि बड़े भ्रष्टाचारी है बेटा, पंगे ना लो नाक में दम कर देंगे, और तुम वकील बदलते रह जाओगे और हम जज खरीद लेंगे। तेरा बाप आया। कि बेटा तुम जो कुत्ते की तरह भौंकते हो ना, तुम्हें सच में कुत्ता ना बना दिया तो कहना। तेरा बाप आया। ये नए जमाने की लड़कियां हैं, ये लोगों पर नहीं पैसों पर मरती हैं, बॉयफ्रेंड का तो सवाल पैदा नहीं होता, ये सिर्फ माँ बाप से डरती हैं। और अगर तुम सोचते हो तुम इनका इस्तेमाल कर लोगे तो सुन लो, ये रोज तुम्हारे जैसे 10 को हैंडल करती हैं। पतझड़ से सिर्फ पत्ते गिरते हैं, कि पतझड़ से सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। बेटा बात ऐसी है कि हमसे मुकाबला तो बाद में कर लेना, पहले हमारे जितना बर्बाद होकर तो आ जाओ। के लिए बोलता कुछ आज। अच्छा भाई तू सुन, जमीन पर टिक नहीं सकते और बात आसमान की करते हैं, जमीन पर टिक नहीं सकते और बात आसमान की करते हैं, और ये आजकल के लौंडे अपनी औकात से ऊंची बात करते हैं। कांड करता हूँ मैं, पर इनके गवाह सरेआम नहीं है, और ये लड़ने भिड़ने की बातें करते हैं बेटा, इनमें जान नहीं है। लड़ने भिड़ने की बातें करते पर इनमें जान नहीं है बेटा, मेरे जैसे बहुत कम बहुत कम। माना मुझे जीतने का शौक है पर हार भी मैं बड़े शौक से चखता हूँ, और बेटा जिनके दम पर तुम उछलते हो
याद रखना, उन्हें मैं अपने जूते के नीचे रखता हूँ। अच्छा कोई नहीं होता साहब, सब दिखावा करते हैं। हम अपनी औकात जानते हैं, अगर तू कहे तो तेरी याद दिला दूं। अभी वक्त खराब है, इसीलिए मौन हूं। सफलता के बाद बताऊंगा कि मैं कौन हूं। परवाह नहीं कि चाहे जमाना कितना खिलाफ हो, कि परवाह नहीं कि चाहे जमाना कितना खिलाफ हो, हिसाब सबका होगा, चाहे कोई कितना बड़ा रंगबाज हो। हम थोड़े दिन खामोश क्या हुए, कुत्तों ने समझ लिया कि जंगल हमारा है। आग लगा दूंगा उन ख्वाहिशों को जिनकी वजह से मुझे झुकना पड़े। दुश्मन तो बहुत है मेरे, पर वो क्या है ना कि शेर का शिकार कुत्तों से नहीं होता। कि अगर रहोगे मेरे साथ तो तुम्हें सारे हसीन ख्वाब दिखा दूंगा। अगर रहोगे मेरे साथ तो तुम्हें सारे हसीन ख्वाब दिखा दूंगा, अगर गए मेरे खिलाफ तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। लोगों ने दिए हैं बहुत धोखे, बट डोंट वरी, इट्स ओके। हम थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, ये प्यार मोहब्बत में गेम खेलने हमें नहीं आते, और जिनका प्यार सच्चा होता है उनके लिए उनके महबूब का चेहरा बहुत कुछ है, वो चेहरे से कभी नीचे नहीं जाते। कि बेटा भूखा थोड़ा कम करो, वरना हम दहाड़ने पर आए तो तुम्हारा घमंड कहीं खो जाएगा। थोड़ा नरमी से बात किया करो हमसे, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरे शांत होने की वजह वक्त है, वक्त आने दो, सुना भी दूंगा। समझ में आया क्या? कुछ लोग खुद पे बहुत नाज करते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमसे औकात की बात करते हैं। जो भी हूँ सामने हूँ, सबसे अलग हूँ, मैं मेरे काम में हूँ, मेहनत का खाता हूँ, सबको बताता हूँ, मैं बेटा समय पे कभी नहीं आता हूँ। अच्छे लग जाते हैं हम बहुत लोगों को, ये भी अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों को। कुछ लोगों को बहुत गहराई से जाना है मैंने, जो खुद को मेरा दोस्त बता रहे थे, चेहरे पर मुस्कान और बातें बहुत प्यारी करते थे, लेकिन पीठ पीछे खंजर छिपा रहे थे।